जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी, मैं हूं एसएम शाकिर। आज हम मौजूद हैं न्यू प्लग सिनेमा डिफेंस फेज़ 8 में और यहां पर नबील कुरैशी की नई फिल्म खेल खेल में का आज प्रीमियर है। कास्ट में शामिल काफ़ी लोग यहां मौजूद हैं, नबील कुरैशी मौजूद हैं, फिजाली मिर्ज़ा मौजूद हैं, नवीद रज़ा व दीगर यहां मौजूद हैं। अभी इस वक्त हीरो और हीरोइन दोनों का इंतज़ार है, बड़ी गहमा गहमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तकरीबन 1.5-2 साल बाद न्यू प्लेक्स पे हम गहमा गहमी देख रहे हैं और किसी फिल्म का प्रीमियर देख रहे हैं। आइए हम आपसे मुलाकात कराते हैं मेहमानों से और यहाँ फिल्म की कास्ट है और दीगर फिल्मी जो लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आतिफ अली, जो एक बहुत बड़ा नाम है टेलीविज़न इंडस्ट्री और अब वो फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। उनकी एक फिल्म परी जो बहुत अच्छी गई है और इसके बाद इनकी एक और फिल्म एवरडी पिक्चर रिलीज़ कर रहा है, पीछे तो देखो। सर ये बताएं कि आज बहुत अरसे बाद न्यू प्लेक्स पे हम एक रौनक देख रहे हैं जो पहले हुआ करती थी, तो आप इसको एक तो किस नज़र से देखते हैं और आपको लगता है कि अब दोबारा से ये रौनकें बहाल रहेंगी? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आगे यहाँ पर। और बड़े अरसे बाद यानी 2 साल बाद हम सिनेमा में आए वापस और बड़ा मज़ा आ रहा है। और क्या कहते हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है फिल्म गायब होगी, रौनक बहाल होंगी, हमारी फिल्में भी आएंगी और फिल्में आएंगी और फिर आगे इस तरह कारवा बढ़ता जाएगा दोबारा। नबील कुरैशी की फिल्म के हवाले से ये एक मुश्किल सब्जेक्ट है और आपको क्या लगता है कि इस सब्जेक्ट को देखने के लिए भी लोग आएंगे, सिनेमाघरों की तरफ लौटेंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल, एक तो मैं तो चाहूँगा कि लोग आएँ फिल्म देखें, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स काम किया उसने। 1971 का एहसास मौजूद किसी ने नहीं छेड़ा कभी और ये हिम्मत की है इसने, तो इसका मतलब है कुछ। अब हम देखने की फिल्म देखेंगे तो पता लगेगा कि क्या है इसके अंदर, क्या निकलता है इसके अंदर। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी फिल्म होगी ये और लोग आएंगे इसको देखने, और लोगों को आना चाहिए। हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्या गलतियाँ हुई थी और क्या हमें कुछ फहमियाँ हमारे साथ दें, वो सब पता चलेंगी इसके अंदर। इस फिल्म का जो अहम किरदार हैं और बल्कि आप मरकजी किरदार कहेंगे, नवीद रज़ा यहाँ मौजूद हैं, तो इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह करम। मुझे ये बताएं कि आज काफ़ी अरसे बाद न्यू प्लेक्स पे बड़ी रौनकें हैं, आपको लगता है कि ये फिल्म हमेशा से ये जो रौनकें हैं इसको बहाल कर देगी? डेफिनेटली करेंगी, क्योंकि देखें आपके सामने है कि कोई 30-40 फिल्में रेडी हैं, अभी ये लगी है, फिर एक सिलसिला बनेगा, लोगों की हिम्मत होगी और फिर यू विल सी कि अब हर महीने, हर हफ्ते, हर 15 दिन में पाकिस्तानी फिल्म लगनी शुरू होगी और इस साल पाकिस्तानी फिल्मों का एक पूरा उरूज होगा सिनेमा को। इस फिल्म का सब्जेक्ट थोड़ा सा खुश्क है और आपको क्या लगता है कि ये इस सब्जेक्ट को भी देखने? एक बहुत ही कमर्शियल फिल्म है, ढाका फॉल जितना आप लोगों को खौफनाक तरीके से बताया गया है, दिखाया गया है, इस फिल्म में आपको हंसी मजाक में वो ऐसे निकलेगा कि आप इंजॉय करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म सेंसर बोर्ड सिंध के चेयरमैन जनाब खालिद बिन शाहीन साहब और आज यहाँ न्यू प्लेक्स फेज 8 में फिल्म खेल खेल में का प्रीमियर है, तो उनसे पूछते हैं इस फिल्म के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत? ठीक ठाक। सर ये बताइए कि आज जो ये रौनकें हम देख रहे हैं 1.5-2 साल से जो हालात हैं, उन हालात में अब आपको क्या लगता है कि ये रौनकें दोबारा से ये पाकिस्तानी फिल्में और ख़ास तौर पे नबील कुरैशी की ये फिल्म ये रौनकें बहाल कर देगी? भाई स्टार्ट तो अच्छा है और नबील कुरैशी की और रज़ा की जो फिल्में, अच्छी फिल्में उन्होंने दी हैं और हमें बहुत उम्मीद है कि ये फिल्म एक अच्छा बिजनेस भी करेगी और अच्छे रिजल्ट्स भी लेके आएगी और मुझे बहुत उम्मीद है कि क्राउड को खींचने में इसका बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा।
यहाँ एक ज़माने में जब इंडियन फिल्में रिलीज़ हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा रौनक होती थी, आप क्या समझते हैं कि जी ये इंडियन फिल्में दोबारा अगर हमारे इन सिनेमाज पे लगें तो क्या ये ठीक होगा? बिल्कुल लगना चाहिए, कंपटीशन अच्छा रहता है और कंपटीशन हमेशा अच्छी चीज़ का ही नाम है। और लेकिन जितनी डिले होगा इन हालात में, मैं नहीं समझता कि अगर वो नहीं भी आती तो ऐसी कोई बात नहीं, हमें अपनी मार्केट खुद इस्टेब्लिश करना चाहिए। और इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि पाकिस्तान के टीवी के ड्रामे को उनसे कंपटीशन करके हमने नहीं बनाए, बल्कि वो हमारे ड्रामे देख रहे हैं आज भी। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है कि टीवी सीरियल टीवी ड्रामे हमारे हमेशा से हिट, हमने उनको देख नहीं बनाए। तो हमें भी यही अप्रोच रखना चाहिए कि हम अपनी फिल्में ऐसी बनाएं, और माजी में बहुत ज़बरदस्त फिल्में बनाई हैं हमने तो। लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कि इंडियन फिल्में आए, ज़रूर आना चाहिए, अच्छा है, अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए हमारे। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक साहब, और ये ARY का जो फिल्म सेक्शन है उसके ये हेड हैं, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड डायरेक्टर जनाब परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे हैं इरफान मलिक। इनसे हम पूछते हैं कि इस फिल्म के हवाले से कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम। सर ये बताएं कि आज ये रौनकें दोबारा से, हमने 1.5 से 2.5 साल बाद अब ये रौनकें हम ये देख रहे हैं, और आज खेल ही खेल में, और ARY आप लोग इसके पार्टनर भी हैं, आपको क्या लगता है कि इस फिल्म में इतनी जान इतनी ताकत है कि ये लोगों को इंशाल्लाह दोबारा सिनेमाओं की तरफ लाएगी? जी पहले तो आज एक बहुत बड़ा दिन है, जिस तरह आपने कहा कि 1.5 से 2 साल के बाद आप सिनेमा खुले हैं और हम ये रौनक देख रहे हैं। आई थिंक फिज़ा और नबील का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने अच्छी फिल्म्स दी हैं, और अब ये ट्रेंड हो रहा है कि अब लोग मेकर्स के नाम पे, जो 1960s-70s में होता था कि लोग डायरेक्टर को प्रोड्यूसर को ऑनर करते थे, आई बिलीव इन दोनों ने ये एक जगह बना ली है अपने लिए कि आई एम श्योर कि लोग इस फिल्म को चांस देंगे। ये एक डिफरेंट जॉनरा है, इसमें कास्ट भी आपने देखी होगी, बड़ा यंगर लॉट है। मुझे बहुत उम्मीदें हैं इस फिल्म के साथ कि ये फिल्म जो है ये लोगों को सिनेमाज में लेके आएगी। जो रिसेंट रिलीजेज हुई हैं इंडिया में, अगर हम कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उससे भी लगा है कि लोग सिनेमाज में वापस आए हैं फिल्में देखने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ARY ने जो नबील कुरैशी की फिल्म है उसको लिया है और उसके साथ जो सारा जितना भी जॉइंट वेंचर है वो कर रहे हैं, और आप क्योंकि अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, क्या कुछ आपने देखा कि नबील कुरैशी को आपने पहली मर्तबा साथ मिलाया? जी आप सही कह रहे हैं, ARY फिल्म्स ने इससे पहले कभी किसी के साथ मीडिया पार्टनरशिप नहीं की। हमारी जो फिल्म्स होती हैं हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये फिल्म जब आप देखेंगे इसके पीछे एक अच्छा कॉज है, और जो सबसे बड़ी बात थी कि इंडस्ट्री को इस वक्त एक होने की ज़रूरत है, और जो पहली फिल्म आ रही है इतने अरसे के बाद, हम चाह रहे थे कि हम भी उसकी सक्सेस में या उसकी लॉन्च में अपना हिस्सा डालें, और ये फॉर द लार्जर गुड ऑफ द इंडस्ट्री हमने ये स्टेप लिया है, और वी आर वेरी एक्साइटेड। हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस फिल्म के साथ एसोसिएट होके, और बस जो इसके पीछे जो सारी एफर्ट है और जो नीयत है, अल्लाह करे कि वो फिल्म अपना वो मकाम पा ले जिसके लिए पुश किया जा रहा है। आखिरी सवाल ये कि जी आप ज़्यादातर जो सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन जो का इदारा है उनके साथ फिल्में बनाते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, और नबील कुरैशी के साथ या दीगर किसी प्रोड्यूसर के साथ आइंदा आप काम करेंगे? जैसे टच बटन आपने बनाई है, नबील कुरैशी के साथ आइंदा इरादा है आप लोगों का फिल्म का? जी बिल्कुल, हमने पहले भी एक दो प्रोजेक्ट्स पे बात की है, अनफॉर्चुनेटली वो मटेरियलाइज नहीं हो सके, बट बिल्कुल हमारी नीयत है कि हम नबील और फिज़ा के साथ जल्दी एक फिल्म करेंगे।
जी इस वक्त हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। एक बड़ा मारूफ सिनेमा है और कराची का इस वक्त सिंगल स्क्रीन ये सबसे बड़ा सिनेमा है और उसका नाम है कैपरी। कैपरी से बड़े लोगों की यादें वाबस्ता हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि इस फिल्म के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह करम। सर ये बताएं, आज बड़ी रौनकें हैं यहाँ पर और इस फिल्म का आज ये प्रीमियर है, आपको क्या लगता है कि कल इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में पब्लिक निकलेगी इस फिल्म को देखने के लिए? मैं तो पूरी उम्मीद से हूँ कि 100% निकलेगी और मैं सबको एक मैसेज देता हूँ कि ये फिल्म ऐसी है कि जो भी हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो 1970 के बाद पैदा हुई है उनको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। आपके उनके इलम में ही नहीं है कि एक ज़माने में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान भी होता था। लेकिन क्या ऐसा नहीं था कि जी अगर ये पहले अपनी फिल्म कायदे आज़म जिंदाबाद जो टोटल कमर्शियल फिल्म थी वो लगाते और ये थोड़ा सा इसका सब्जेक्ट खुश्क समझा जा रहा है, तो क्या ये बेहतर नहीं होता? वो उन्होंने उसको जस्टिफाई किया था कि जी कायदे आज़म जिंदाबाद जो फिल्म है हम कायदे आज़म की बर्थडे पे लगाना चाहते हैं, तो वो इनका अपना एक डिस्क्रेशन है, उस पर तो मैं ऐसा कोई कमेंट तो नहीं कर सकता मैं। ऑल द बेस्ट टू देम, उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। आखिरी सवाल कैपरी सिनेमा के बारे में, कि कैपरी सिनेमा के बारे में कुछ अफवाहें हम सुन रहे हैं कि जी शायद अब वो सेल होने जा रहा है और वो फरोख्त होने जा रहा है, तो क्या हम नाज़रीन को ये सदमा देंगे कि क्या ऐसा होने जा रहा है? फ्रेंकली अभी तो ऐसा ख्याल तो हमें आया है लेकिन अभी कोई इरादा नहीं है। मतलब अगर पाकिस्तानी फिल्मों ने बहुत अच्छा ईद पे भी अगर फ़र्ज़ करें बहुत अच्छा बिजनेस किया तो आपका ये इरादा मौखर हो सकता है? नहीं अभी तो सोचा नहीं है इसके ऊपर, फ्रेंकली मैं आपको बताऊं, लेकिन देखते हैं कि कारोबार कैसा चलता है, लेकिन अभी कोई इरादा है सच नहीं है, सिर्फ सोचा है। अब इस वक्त फिल्म का जो शो है वो ख़त्म हो चुका है, अब हम हमारे जो मेहमान हैं उनसे उसकी राय लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने फिल्म देखी तो थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताएं, आपको कैसी लगी? यार फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, एक बहुत अच्छी कोशिश है और मेरे ख़्याल में वो सब्जेक्ट्स जिनसे हम आग बचा रहे थे उस पर किसी ने बड़ी में कोशिश की है, बड़े डेयरिंग अंदाज के अंदर उन सब्जेक्ट्स को टच किया है, उन फैक्ट्स को टच करने की कोशिश की है कि जो के सामने आने चाहिए। और फिल्म देखने के साथ साथ मुझे लगा ऐसा कि इसमें बहुत सी सच्चाइयाँ हैं, बहुत से फैक्ट्स हैं जो कि आम लोगों को और नई जनरेशन्स को नहीं पता चला। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिस तरह ये साजिशें होती हैं मुल्कों के खिलाफ, उसकी मैच्योरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को समझ में आ रही है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको टच करना चाहिए था और आगे भी ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में टच किया जा सकता है। ये सब एक चीज़ ये सर के ₹900 का टिकट है आजकल, आपको पता है जिस तरह की महंगाई है, और ये फिल्म एक सबक है इसके अंदर और एक समझ लें कि इसमें डायलॉग्स ऐसे हैं कि जो देखने चाहिए हमारी नई जनरेशन को। आप क्या समझते हैं, मेरे ख्याल में इस फिल्म का टैक्स माफ़ होना चाहिए, टैक्स तो आजकल ऑलरेडी माफ़ है, इसको कुछ कम टिकट पे नहीं लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि ये दिखाएं और ये मैसेज ज़्यादा पहुँचे। बिल्कुल सही पॉइंट आपने किया है क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट का बहुत सी चीज़ें नहीं हैं जो कवर नहीं की गई, एक इंटरटेनमेंट के अंदाज में भी सब्जेक्ट को लिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि इसमें ज़्यादातर फैक्ट्स को लाने सिर्फ फैक्ट्स को जमा करके बात की गई है, और वही बात है कि ₹900 खर्च करके लोग इतना नहीं देखना चाहेंगे, उसमें कुछ चीज़ें लवाजमात चाहिए, उन्हें कुछ एक्टिव ज़रा ऐसी होना चाहिए था। और इसमें ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना भी इसमें इसको फैसिलिटेट करें, जितना भी इसको इन एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं वहाँ पे ज़रूर करें और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें इन चीज़ों को। और आई एम श्योर कि ये इसको गवर्नमेंट इस एंगल से इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगी।
हम मौजूद हैं रेड कारपेट पे, फिल्म ख़त्म हो चुकी है, उसकी सेलिब्रेशन भी हो चुकी है और हम फिज़ा अली मिर्ज़ा जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं उनसे पूछते हैं कि जी उनको फिल्म अपनी ही स्क्रीन पे देखने के बाद क्या लगा, आप क्या समझती हैं कि जी फिल्म जुड़ने के बाद और पब्लिक का जो रिस्पॉन्स आ रहा है उससे आपको क्या फील कर रही हैं, आप कैसा लग रहा है? थोड़ी जज्बाती हूँ मैं इस वक्त क्योंकि 2 साल के बाद इतने सारे क्राउड में फिल्म देखी है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का एक बड़ा नाम मोहसिन अब्बास हैदर, उनसे हम पूछते हैं इस फिल्म के हवाले से क्योंकि राइट साइड पे हमारे जश्न हो रहा है, फिल्म देखने के बाद लोग उनकी पूरी कास्ट जश्न मना रही है। मोहसिन साहब आपको फिल्म कैसी लगी? देखिए फिल्म वाला पिक्चर्स की फिल्म का मतलब है कि मेरे घर की फिल्म है, मेरी फैमिली की तरह हैं फिजा भी और नबील भी और उन्होंने अपना लोहा बहुत पहले मनवा लिया था और अब वो मेरे ख्याल में जितनी उनकी अच्छी खूबसूरत माला बन चुकी है उसमें नए से नए मोती पिरोते रहते हैं और हमें ये बता रहे हैं और ऑडियंस को ये बता रहे हैं कि वो हर मैदान में खुलकर खेल सकते हैं और उसका जीता जागता सबूत है खेल खेल में। एक बिल्कुल अछूता मौजू है जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कभी पहले सुनाया कि गया है या सुना मेरी नाके शक्ल के मुताबिक और जिस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने सुनाया है और सुनाने की कोशिश की है मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी हमने सुना होगा और ऑडियंस और स्पेशली यूथ तक ये पैगाम पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आप इनकी 2 फिल्मों में नज़र आए और उसके बाद फिर अब ना कायदे आज़म जिंदाबाद में हैं और ना इस फिल्म में थे, तो इसकी क्या वजह थी जबकि आप तो नबील के बड़े फेवरेट हैं? देखिए फहद भाई भी फेवरेट हैं लेकिन हम दोनों पे क्रिटिसिज्म ये होना शुरू हो गया था कि नबील की हर फिल्म में या तो फहद मुस्तफ़ा होते हैं या मैं होता हूँ, तो अब देखिए नेक्स्ट हम क्योंकि फ्लेवर चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है और फिर वही वाली बात है कि एक लॉबी नहीं नज़र आनी चाहिए लेकिन एक लॉबी लगनी भी नहीं चाहिए जो कि यू नो हमारे हमसाया मुल्क में कभी दिखती है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर किसी को चांस मिलना चाहिए, बिलाल जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट भी हैं, अब जब उनको चांस मिला तो उन्होंने अपने आप को मनवा दिया और उन्होंने दिखा दिया है कि वो कितने अच्छे और बड़े पर्दे पर कितने खूबसूरत दिखने वाले अदाकार भी हैं और इंसान भी, तो इसलिए मुझे लगता है कि नए लोगों को चांस मिलना चाहिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत। इस वक्त हम रेड कारपेट पे हैं और फिल्म देख के लोग बाहर आ चुके हैं, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है। नबील साहब तमाम लोगों से हमने कमेंट लिए माशाल्लाह, वो ये कहते हैं कि जी ये फिल्म दिल को छू लेने वाली फिल्म है, तो आपका क्या ख्याल है? कि मेरा अपना ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसमें सब्सिडी होनी चाहिए और इसका जो टिकट है वो 50% कर देना चाहिए, आपको क्या लगता है? आप लिखे इसके बारे में तो ज़रूर हो जाएगा, हम भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म देखें और इस तरह की चीज़ों से जो है वो इस तरह की फिल्मों की शुरुआत हो, अगर गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव देती है या कोई एक्नॉलेजमेंट देती है तो बहुत फिल्म मेकर को बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। इससे पहले हैदर अली पाकिस्तान की एक फिल्म थी और उस तरह खाक और खून मजीद ऐसी फिल्में थी जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे चुकी है, तो हम भी यही चाहेंगे बहसियत सहाफ़ी कि जी इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन को दिखाना चाहिए, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है, तो आप भी एक मरतबा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील कर देंगे? जी मैं भी हुकूमत वक्त से अपील करूँगा कि ये एक नेशनल नैरेटिव है इस फिल्म में और हिस्ट्री की बात हो रही है और आज की बात हो रही है और फ्यूचर की बात हो रही है, बहुत पॉजिटिव मैसेज है इस फिल्म का, तो अगर इस तरह की फिल्म को आप चाहते हैं कि और ज़्यादा बने तो आई थिंक गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी या कोई एडवांटेज फिल्म मेकर को देना चाहिए। इट्स माई रिक्वेस्ट, आई होप दैट यू नो गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन ये कि फिल्म को आप थोड़ा सा और कमर्शियल कर सकते थे लेकिन आपने उसको एक लिमिटेड रखा, फिल्म में गाने थोड़ा सा कम थे, दिलचस्पी उसमें लोगों की बढ़ सकती थी लेकिन आप एक बहुत बड़े कमर्शियल डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के, तो थोड़ा सा इसमें कमर्शियल जो दिलचस्पी थी वो थोड़ी सी कम थी, उसकी क्या वजह थी? ये आपका अपना ओपिनियन है सर और ये सब्जेक्टिव बात है कि आपको अगर कोई चीज़ कम लग रही हो सकता है वो मुझे ना लग रही हो या किसी और को लग रही हो या ना लग रही हो, तो ये सब्जेक्टिव है, हर फिल्म मेकर की या हर देखने वाले की अपनी चॉइस है, तो कभी भी कोई भी चीज़ परफेक्ट हो नहीं सकती, तो इसमें भी कुछ ना कुछ खामियाँ होंगी, कुछ ना कुछ बताइयाँ होंगी जो हम इंशाल्लाह अगली फिल्म में पूरी करेंगे।
फाजला से हम पूछते हैं जो इस फिल्म का इन्होंने टाइटल सॉन्ग इन्होंने कोरियोग्राफ किया है। फाजला, आपको पूरी फिल्म कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई थिंक मेहनत पता चल रही थी, यू नो पीपल हैव रियली वर्क्ड हार्ड एंड वेरी नाइस। आपको क्या लगता है कि ये फिल्म कितना बिजनेस करेगी और पाकिस्तानी सिनेमा में शायकीन को लाने में अपना किरदार अदा करेगी? आई थिंक इस फिल्म का मकसद बिजनेस नहीं है, इसका इट्स मेड फॉर अ बिगर मोटिव, और उसका वो ये है कि हम दोस्ती के लिए आगे बढ़े। हम वी ट्राइंग टू स्प्रेड द वर्ड, वी ट्राइंग टू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप। तो बिजनेस कितना करती है, इससे ज़्यादा बड़ा ये है कि दोस्ती कितनी, और हमारा जो वर्ड है वो स्प्रेड होता है, हमारा जो हम अच्छी बात करना चाह रहे हैं वो वहाँ तक पहुँचती है या नहीं। आखिरी सवाल ये कि अब आप मज़ीद नबील कुरैशी और इनकी टीम के साथ काम करना चाहेंगी? अगर हमें मौका मिलता है मुझे, तो फिर आई वुड रियली लव टू वर्क, बिकॉज इट्स वेरी नाइस टीम, और इनके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया। द प्रोडक्ट हैज कम आउट रियली वेल, सो आई एम वेरी मतलब आई'd लव टू वर्क विद देम। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर आर्टिस्ट वकार, इनसे पूछते हैं फिल्म के बारे में। वकार साहब, आपको कैसी लगी ये फिल्म? बहुत ज़बरदस्त और टच वाली फिल्म थी, और बहुत पैट्रियाटिक फिल्म थी, और हमें ज़रूरत थी ऐसी फिल्म की। एंड द बेस्ट पार्ट के बहुत अरसे बाद आज सिनेमा खुले हैं, और सबसे अच्छी, और मुझे ऐसा लगता है द बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट डायरेक्टर, उन्होंने आज बेस्ट अपना काम डिलीवर किया है। और ऑफकोर्स आपने भी देखा कि कोरोना के इसमें कितनी टेंशन में ये सब चीज़ें बनी हैं, बट उन्होंने अमेजिंग काम किया है और बहुत अच्छी फिल्म है। और मैं स्पेशली सबसे कहूँगा कि प्लीज़ पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, आएँ देखें, और ये फिल्म तो मुझे लगता है कि दो तीन दफ़ा तो देख ही सकते हैं आप। बहुत अच्छा। नबील के साथ आपने अब तक काम नहीं किया, आपको लगता है कि आपको भी नबील के साथ काम करना चाहिए? नबील के साथ मैंने तब से काम किया जब नबील डायरेक्टर भी नहीं था, नबील बहुत से एरी, तो मैं मुस्तकिल नबील के साथ मैंने काम किया। नबील की तीन फिल्मों में मैंने मेकअप किया है, तो एक्टिंग अभी तक नहीं है, लेकिन मैंने मेकअप जी। हम शायकीन ये चाहते हैं, आपको फिल्म में देखना चाहते हैं उनके साथ। ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह। कीप प्रेइंग। हमारे साथ मौजूद हैं एंजेलिन मलिक, इनसे हम पूछते हैं कि जी इस फिल्म के हवाले से वो क्या कहती हैं। आपने फिल्म देखी, आपको ये फिल्म कैसी लगी, और आपको क्या लगता है कि हमारी ये सिनेमाज की रौनकें अब बहाल होने जा रही हैं? जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सिनेमाज खुल गए हैं, एंड इसका मेरे से बहुत अच्छा स्टार्ट है। पहली फिल्म खेल में, एंड ऑब्वियसली जैसे हर फिल्म में आप फिजा और नबील से यू कैन ओनली एक्सपेक्ट द बेस्ट। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म, इट्स वेरी ब्रेव फिल्म, द सब्जेक्ट इज वेरी वेरी सेंसिटिव, एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस, क्योंकि जो हमारा यूथ है इनको हिस्ट्री के बारे में उनको इस कुछ बताना चाहिए, बिकॉज उनको काफ़ी चीज़ें पता नहीं है। जी, हम यही मतलब फील कर रहे थे और महसूस कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि हमारी जो जनरेशन है उसको नहीं पता, तो ये मालूम होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। एंड आई विश आप प्लीज सिनेमास में आए और ये फिल्म देखें एंड सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ब्लॉगर मोमिन अली, तो मोमिन से हम पूछते हैं कि जी उन्होंने इस वक्त फिल्म देखी और फिल्म देख के वो बाहर निकले हैं, तो क्या लगा आपको, कैसी लगी ये फिल्म, किस तरह की ये फिल्म है, आपको क्या लगता है कमर्शियली बुनियादों पर ये फिल्म किस तरह से बिजनेस करेगी? सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि सिनेमाज वापस खुल रहे हैं, फिल्में लग रही हैं, पहली पाकिस्तानी फिल्म आई इतनी देर के बाद, वो इन इटसेल्फ एक अचीवमेंट है। एक डिफरेंट हट के जॉनर बनाया है, अच्छी कास्ट है, अच्छे गाने हैं, एक डिफरेंट मौजू है, तो मुझे लग रहा है, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग आगे इसको देखेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो मेरी बेस्ट विश फिल्म के साथ, सारे क्रू के साथ, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। नबील कुरैशी की जो लास्ट मूवीज़ हैं उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, उससे हटकर है, तो आपको क्या लगता है कि जो नबील कुरैशी की फिल्म देखने वाले लोग हैं शायकीन, उनके बारे में
कुछ आपको आइडिया है कि वो इसको देखेंगे? आई थिंक काफ़ी हद तक ये नबील कुरैशी ब्रांड की फिल्म है, कुछ हमेशा वो एक मैसेज लेकर आते हैं, कॉमेंट्री होती है, तो वो इसमें भी देखने को मिली। हाँ, ये बिल्कुल आउटराइट सोशल कमर्शियल फिल्म नहीं थी, थोड़ा इसमें एक यू नो थोड़ा सा वो आर्ट फिल्म वाला एक टच था, बट आई डू फील कि बड़े स्टार्स थे, अच्छी कहानी थी, अच्छी स्क्रिप्ट थी, अच्छे म्यूज़िक है, तो आई थिंक लोग आगे इसको इन्जॉय करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर फाइट इंस्ट्रक्टर और ख़ुद भी इन्होंने मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया है और आजकल हर बड़ी फिल्म का वो हिस्सा हैं। तो हम बात करते हैं जनाब महबूब शाह साहब से। महबूब शाह साहब, आपको कैसी लगी ये फिल्म? आजकल जिस तरह की फिल्में कमर्शियल एतबार से आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म पाकिस्तानी फिल्म बीनों को ये भाएगी, उनके दिलों को लगेगी ये फिल्म? अस्सलाम वालेकुम। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो मैंने फिल्म देखी है ना, मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे थे। यानी ठीक ठाक इनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दे दी इसने। नबील भाई बेस्ट डायरेक्टर, इन्होंने जो जितने भी काम किए हैं, चाहे कमर्शियल हो चाहे मूवीज़ हो, इन्होंने अब तक हिट का काम किया है, और ये वाले तो कुछ डिफरेंट है। इसमें तो मैं भी सोचता कि अब आगे क्या होने वाला है। फिल्म का असल मज़ा ये है कि इन्होंने जो दिखाया कि इंटरेस्ट था इसके अंदर कि हम देखते रहे, यानी एंड तक ये नहीं हुआ कि अरे यार ये तो ऐसा होना है, वरना बहुत सारी फिल्में क्या होता है कि फिल्म स्टार्ट होने के साथ पता चल जाता है कि अच्छा ये हीरो है, ये हीरोइन है, अच्छा कहानी ये चाचा है, अच्छा ये वो है, लेकिन इसमें नहीं पता चला कि अब एंड क्या हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने एक फिल्म की थी और वो मुझे भी बहुत मेरी पसंदीदा फिल्म है, टीफा एंड ट्रबल की फ़ाइट पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ कि जदीद अंदाज में जितनी फ़ाइट्स हैं उसमें वो बहुत बेहतर फिल्म थी। मज़ीद इस तरह की आप फिल्में कर रहे हैं? इंशाल्लाह, मैं तो समझ रहा हूँ कि तीफा से आगे बढ़े। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह, अगर कोई डायरेक्टर अच्छा हो और हमारे पास फाइटर उस टाइप के हो, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में फाइटर वो वाले फाइटर नहीं है जो होने चाहिए, जिसको शौक हो, ये काम सारा शौक से होता है, तो जिसको शौक हो तो वो मेरे ख्याल है और मज़ीद अच्छा हो सकता है। अख्तर साहब, बहुत अरसे बाद आज ये रौनकें बहाल हुई हैं, हम तकरीबन 1.5-2 साल बाद इस सिनेमा पे वही रौनकें देख रहे हैं जो कभी पहले हुआ करती थी, आपको क्या लगता है कि ये रौनकें दोबारा से आबाद करेंगी इन सिनेमाओं को? असल में सिनेमाओं में रौनक तो बहाल अभी नहीं हुई है, आज प्रीमियर है, कल यहाँ सन्नाटा होगा, आप देख लीजिएगा आकर। असल में बात यह है कि हम लोग अभी तक प्रोफेशनल नहीं हुए, 7 बजे का टाइम था और अभी तक कास्ट नहीं आई है, हम लोगों के आर्टिस्टों के जो ना कलफ अभी तक नहीं टूटे, उनकी गर्दन में जो सरिया है और वो इस तरह की बातें करते हैं जैसे पूरी दुनिया इनको जानती है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते, आर्टिस्ट जो है वो डायरेक्टर को तंग करते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को तंग करता है और प्रोड्यूसर को सिनेमा मालिक तंग करता है, और जो सिनेमा के टिकट बिक चुके होते हैं, सिनेमा का टिकट कभी उधार नहीं मिलता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसे 2-2 साल तक नहीं जाते। और आपके ख्याल में ये नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है, क्योंकि बॉलीवुड में भी कहते हैं कि लोग टाइम पे आते हैं, टाइम पे चीज़ें ख़त्म करते हैं, तो ये बॉलीवुड से अपना मुकाबला करते हैं? हाँ बिल्कुल, बॉलीवुड का खामा खाई कि तो मुकाबला करते हैं, हम लोगों को अभी बहुत वक्त चाहिए, उन्होंने अपने 100 साल गुजार लिए, हम लोगों ने 20-25 साल फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं, अभी दुआ करें कि आहिस्ता आहिस्ता माहौल अच्छा हो, हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल अपने आप में एक नहीं है, इस वक्त भी 20-25 फिल्में तैयार पड़ी हैं लेकिन कोई रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं है। चलो हम फिज़ा को दाद देते हैं, नबील को, कि उन्होंने फिल्म की हिम्मत तो की, लेकिन अभी बहुत दूर है कि सिनेमा की रौनक के बहाल होगी ये बात कहना, क्योंकि जब तक, क्योंकि 20-25 फिल्म अगर 3-4 महीने में रिलीज़ होगी तो आगे इनके पास काम ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिल्म में देखें, अब ये सब टीवी के आर्टिस्ट हैं और इनको सिल्वर स्क्रीन का मौका दिया गया है, इनको खुश होना चाहिए। मुझे काफ़ी लोगों ने इनकी टीम की ने शिकायत की कि आर्टिस्ट जो है प्रमोशन के लिए नहीं निकले, और इनसे रिक्वेस्ट करते रहे हम, और आज भी ये हाल देख रहे हैं, तो आर्टिस्ट को चाहिए कि अपनी फिल्म के प्रमोशन। अच्छा, नबील कुरैशी और फिज़ा की इस फिल्म के हवाले से कास्ट ने, मतलब वो खफा है इस बात पर कि जी इनके लोग नहीं आते प्रमोशन पर? जी, ये इतलात मुझे मिली है इनडायरेक्टली कि इनके प्रमोशन के लिए जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है ना, वो नहीं है, बड़ी रिक्वेस्ट करने में लाइनअप करना पड़ता है, आर्टिस्ट बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता, और ये अभी की बात नहीं है, आप खुद जानते हैं बेहतर के माजी में भी यही होता रहा कि
बेचारे प्रीमियर के लिए बार बार फ़ोन करते रहते हैं और ये प्रमोशन में जाते हैं यूनिवर्सिटियों में उधर उधर, हमारी कास्ट बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। हालांकि ये उसका हिस्सा होता है जो आप कॉन्टेक्ट करते हैं फिल्म की, वो साइन करते हैं फिल्म को, उस वक्त हिस्सा होता है कि जी प्रमोशन भी आपने करना है। जब प्रमोशन की बारी आती है तो ये लोग बिल्कुल खफा हो जाते हैं। हम मौजूद हैं मंजर सहबाई साहब के साथ जो इस फिल्म का एक अहम किरदार हैं, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे, सर ये फिल्म जो है वो आज सिनेमाओं की रौनक दोबारा से बहाल हो गई है, आप क्या कहते हैं इस फिल्म के हवाले से कि इसी तरह से ये फिल्म जो है वो रौनक बहाल करेगी मज़ीद? भाई ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी अच्छा हो चुका था कि लोग जो हैं वो घरों में बंद थे, काफ़ी मुश्किल थी पेंडेमिक की वजह से। अब ये सिनेमा हॉल्स खुले हैं और लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं भाई इतना हजूम है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जो मरहला शुरू हुआ है इस फिल्म से शुरू हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है भाई कि इन्होंने सबसे पहले अपनी फिल्म जो है उसको रिलीज़ किया, बड़ी बात है। सर एक चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये कि पहले पाकिस्तानी फिल्मों पे तफरीही टैक्स माफ़ किए जाते थे, जिस तरह हैदर अली और खाक और खून उस तरह की फिल्में थी, ये बिल्कुल इस तरह का सब्जेक्ट है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको टिकट इसका 50% करे, तो आप इस बारे में कुछ कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए? देखें ये फिल्म जो है ये बड़े हसास किस्म के, बड़े सेंसिटिव किस्म के सब्जेक्ट के ऊपर बनी है, और मेरा ख्याल है कि देखने वाला जो है वो इससे इख्तलाफ भी कर सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि नहीं दिखाई गई, कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई, तो जाहिर है कि डायलॉग तो होगा ना, ठीक है, और डायलॉग जो है हमारे माशरे में वो होना चाहिए, ओके ओके, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और होना चाहिए, क्योंकि डायलॉग के बगैर जो है वो मतलब कि एक अच्छी फिजा पैदा नहीं होती जहाँ पे एक दूसरे को इंसान बेहतर तरीके के साथ समझ सके। ओके सर, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की लेजेंड आर्टिस्ट समीना अहमद, इनसे इस फिल्म के हवाले से पूछती हैं, आपने अभी फिल्म देखी तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म किस तरह की फिल्म है, क्या फीलिंग्स थी इस फिल्म को देखने के दौरान, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी सिनेमा दोबारा आबाद होंगे? सबसे आखिरी बात जो आपने की कि पाकिस्तानी सिनेमा क्या दोबारा आबाद होंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर आबाद होंगे, और मैं तो मुबारकबाद दूंगी फिज़ा को और नबील को कि उन्होंने पहला कदम उठाया है वापस पाकिस्तानी फिल्मों को दिखाने का। ये बड़ी हिम्मत की बात होती है कि इतने अरसे तक जब सब कुछ बंद रहे तो उसमें पहला कदम उठाना और पहल करना एक बहुत हिम्मत वाले लोग ही करते हैं, और ये उन्हीं का कमाल है कि ऐसे हिम्मत वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा ये कमर्शियल बहुत ज़्यादा नहीं थी फिल्म, थोड़ा खुश्क है सब्जेक्ट इस फिल्म का, तो आपको लगता है कि इस पर गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसके ऊपर सब्सिडी दे दे और लोगों को सिनेमाज को ये कहे कि जी 50% ये टिकट्स कर दें? देखिए करना तो चाहिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए इसकी, और स्पेशली जो ऐसी फिल्में हैं जो कि आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करती हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट लेकर आती हैं जिसके ऊपर हम बातचीत कर सकें, कोई डायलॉग हो जिसके ऊपर कोई गुफ्तगू हो, कोई इख्तलाफात हो, कोई बातचीत हो, तो उसको सब्सिडाइज करना तो ज़रूर चाहिए। और ये फिल्म बिल्कुल ऐसी है जिसमें कि बहुत कुछ चीज़ें तो बहुत ही हसीन और खूबसूरत हैं, कुछ आर्टिस्टिकली बहुत बहुत अच्छी है, और सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जो कि मैं तो ये कहूँगी कि हर इंसान को देखें, हमें सबको देखना चाहिए।